आज हम लोग पढ़ेंगे पौधे के भाग और उसके कार्य। तो मोटा मोटा देख लेते हैं पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। नंबर एक ये जड़, नंबर दो तना, नंबर तीन पत्तियां, नंबर चार फूल, देख रहे हो ये, और नंबर चार फल या फली, इसमें फली है। तो शुरू करें। पहला जो भाग है जड़ है, ये भूमि के अंदर पाया जाता है। इसका क्या काम होता है, पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करना। अगर ये जड़ें पृथ्वी भूमि में ना घुसी हों तो पौधा गिर जाएगा, इसे तो ये इसे सहारा देती हैं इसे, ठीक है। तो जड़ों का पहला काम हो गया पौधे को सहारा देना। नंबर दूसरा कार्य देखो, जड़ में देखो ये छोटे छोटे रोएं दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं, इन्हीं मूल रोम से पौधे पानी लेते हैं भूमि के अंदर से। पौधे कहाँ से पानी लेते हैं, इन मूल रोमों से या जड़ों से। पानी के साथ और क्या लेते हैं, पोषक तत्व, और जो भूमि में पाए जाते हैं पोषक तत्व, इन्हीं मूल रोम से ये लेते हैं। तो जड़ के काम हो गए, नंबर एक पौधे को सीधा खड़ा रखने में या मजबूती से खड़ा रखने में मदद करना, नंबर दो जल और पोषक तत्व भूमि से लेना। अब दूसरा भाग देखो, ये दूसरा भाग है ये तना, इसको कहते हैं इंग्लिश में स्टेम। जड़ को क्या कहते हैं, रूट। अब तने का क्या काम है, तना क्या करता है, ये जो पौधे की शाखाएं हैं इनको सहारा देता है। पूरा तने में ही पौधे का भाग रखा रहता है। नंबर दूसरा तने का काम है, ये जो जड़ से पानी लिया गया है पोषक तत्व, तो पानी सब यहीं से तने से होकर ही पूरे पौधे में जाता है। नंबर तीसरा काम, पत्तियों में जो भोजन बनता है पौधे का, वो सब तने के द्वारा ही इधर आता है। तो तने के तीन काम हो गए, पौधे की शाखाओं को सहारा देना, और जड़ों द्वारा लिया गया पानी और पोषक तत्वों को पूरे पौधे में पहुँचाना, पत्तियों द्वारा बनाए गए खाने को पौधे के सभी भागों में पहुँचाना। अब नंबर तीसरा भाग है पत्ती, ये पत्ती हरी बताओ किस कारण होती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण हरी होती है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्ण हरिम। क्या कहते हैं, हरिम। अगर हिंदी में कहो तो पर्ण हरिम, इंग्लिश में कहो तो क्लोरोफिल। इसी के कारण पत्ती का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों में खाना बनता है। कैसे बनता है, पत्तियाँ सूर्य का प्रकाश और अपने जो ये वायु ये गैस है आसपास, उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेके खाना बनाती हैं। तो देखो पौधे का खाना तो पत्तियों में बनता है लेकिन पानी जड़ों से लेता है। तो यहाँ पर जो ये खाना बनाने की प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। और खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो पत्तियों का काम, पहला काम हो गया खाना बनाना। अब दूसरा काम क्या है, पत्तियों का देखो रंग आगे की तरफ हरा है और पीछे की तरफ कम हरा है। इस पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उनको कहते हैं रंध्र। रंध्र, तो जो पत्तियों में रंध्र पाए जाए उन्हें क्या कहेंगे, पर्ण रंध्र। पर्ण माने पत्ती, रंध्र माने छिद्र। तो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे पत्तियाँ गैसों का आदान प्रदान करती हैं। गैस अभी देखो ली थी खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन्हीं से लेती हैं। ऑक्सीजन ये निकालते हैं तो इन्हीं से निकालते हैं, तो इनसे गैस आदान प्रदान का काम भी होता है। नंबर तीन काम, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जब पौधे जड़ों से पानी लेते हैं और जो इनके पौधों में पानी अधिक हो जाता है वो पत्तियों के द्वारा धूप लगने से वायुमंडल में गैस बन के फिर चला जाता है उन्हीं छिद्रों से। तो तीन काम होते हैं पत्तियों के, नंबर एक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना, नंबर दो वायु का आदान प्रदान करना, नंबर तीन वाष्पोत्सर्जन। तो तीन भाग हो गए। अब नंबर चार भाग है तुम्हारा फूल, ये देख रहे हो फूल, इससे बता देते हैं। ये फूल है, फूल के सबसे बाहर जो हरे रंग की पत्तियाँ उन्हें कहते हैं बाह दल। बाह मतलब बाहरी, दल माने ये पत्तियाँ, बाह दल। इसके बाद जो कलर्ड होते हैं उन्हें दल कहते हैं।
ये हो गए दल, ये हरे वाले हो गए बादल। और यहाँ पर ये बीच में दिख रहा है, ये छोटे छोटे वाले पुंकेसर और स्त्री केसर हैं। फूल का क्या काम है? फूल ही आगे चल के फल बनाता है, ठीक है। और फल में क्या होता है, बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो कि बीज का पोषण करते हैं। देखो इसमें फल तो नहीं है लेकिन इसमें फली है, जिसमें गोल होते हैं वो फल होते हैं, इसमें लंबी लंबी छियां टाइप की, इसे फली कहते हैं। देखो हम दिखा रहे हैं, ये देखो, देखो इसके अंदर बीज हैं। यस सर। बीज का क्या काम होता है? यही अंकुरण होके आगे पौधा बनाते हैं। देखो इधर ये बीज था पहले, एक नीचे की तरफ निकला प्रांकुर बना, ऊपर मूलांकुर बना। तो जो प्रांकुर बना था उससे आगे चल के जड़, और मूलांकुर से पत्ती बनती है। तो ऐसे करके बीज से फिर पौधा बन जाता है। तो पौधे के देख लिया कितने भाग हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज। जड़ का काम पौधे को खड़ा रखने में मदद करना और भूमि से पानी और पोषक तत्व लेना। तने का काम लिए पूरे पौधे को सहारा देना और पानी जो लिया गया है इसको पूरे पौधे में पहुंचाना। नंबर तीन, जो पत्तियां खाना बनाती हैं उससे भी पूरे पौधे में पहुंचाना। पत्तियों का काम प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। नंबर दो, फिर क्या करना, गैसों का आदान प्रदान करना। नंबर तीन, वाष्पोत्सर्जन करना। फूल का काम फल बनाना। फल का काम बीज का पोषण करना, और बीज फिर जम के पौधा बन जाता है। समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है।